गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सुबह हो चुकी है, आज का दिन है शनिवार और हमारे दफ्तर सिर्फ दो शनिवार की छुट्टी होती है, मतलब दो सैटरडे की छुट्टी होती है हमारे दफ्तर की। तो आज इस शनिवार को हमारा दफ्तर है और हमें जाना पड़ेगा। उस दिन नॉर्मल कैजुअल शर्ट पहन के, कैजुअल कपड़े पहन के जाते हैं हम अपने दफ्तर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आज मैं जो करूँगा, जो इंटरेस्टिंग होगा कुछ, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अगर मेरा पुराने वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं या कुछ सजेशन देना है तो मुझे कमेंट करके बताइए मेरे वीडियो में, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और मेरे साथ सियाद भाई, देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह नहा धो के निकले हैं, क्या बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुन लो भाई से। और काफ़ी अच्छा सुबह सुबह मौसम रहता है, रोज़ जब भी हम निकलते हैं तो धूप रहती है और थोड़ा सा गर्म गर्म कम रहता है ना, कल नहीं पता चल जाता है, कभी कभी बादल भी रहते हैं, पर आते टाइम जो गर्मी होती है भाई, आप देख ही सकते हैं मेरी वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय। तो दोस्तों आ गई, देख सकते हैं हमारी लोकल। काफी काम करना पड़ रहा है दोस्तों, आज सैटरडे भी है, थोड़ा काम इशू नहीं है उसमें, काम इतना हेक्टिक नहीं है। तो दफ्तर का कुछ नज़ारा है ये, देख सकते हैं। और अभी मैं काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो निकल चुके हैं दफ्तर से, आज शनिवार का दिन है, काफी अच्छा दिन था, 5 बज चुके हैं। मेरे साथ है फिर से अमजद भाई। देख सकते हैं आज भाई की शर्ट एक नंबर लग रही है, और मेरी शर्ट भी आज टी शर्ट। तो आज कैजुअल डे था और दफ्तर में काफी मजा आया। काम भी रहता है तो थोड़ा सा पहले निकलते हैं, वीकेंड होता है तो सब पार्टी मूड में रहते हैं, बट अभी पार्टी का कुछ डिसाइड नहीं हुआ, देखते हैं आगे क्या होता है। आज हम लोग सोचे घर जाके खाना बनाएंगे, बहुत बाहर का खा लिया, मोमोज वगैरह बहुत खाया कल, रोज बाहर का हो रहा है, तो आज हम घर में खाना बनाएंगे। और खाना बनाएंगे तो जो मैं बनाऊंगा वो भी दिखाएंगे ना भाई? हाँ बिल्कुल, वो आपका वो स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और उसको जस्ट साहब से उसका रिव्यू भी लेंगे, और रिव्यू भी लेंगे जस्ट साहब से। तो बने रहिए आज मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं फिर शाम को, बाय। ये क्या माजरा चल रहा है, सुन मेरी बात। हाँ। आप सुन दोस्तों, निकल चुके और बैठ चुके हम लोकल में, काफी भीड़ है और देख सकते हैं दादी माँ कितना शानदार ये चमकता हुआ पेन बेच रही हैं। और फाइनली पहुंच गया गाइस। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ दफ्तर से घर, और काफी अच्छा था आज दफ्तर का दिन, और काफी मजे किए हमने, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ दफ्तर की वीडियो तो बना नहीं सकता हूँ क्योंकि हमें अलाउ नहीं है, पर भी अच्छा लगा हमें। और मैं अभी घर जाके कुछ बनाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आज मैं कुछ कुकिंग करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों काफ़ी देर बाद हमने डिसाइड किया है कि अभी हम बनाने वाले हैं वेज बिरयानी, तो उसके लिए मैं लेने जा रहा हूँ सब्जी। हमारे पास राइस है काफ़ी, पर हमारे पास जो सब्जी लगती है वो नहीं है वेज बिरयानी के लिए, तो मैं पनीर लूँगा और सब्जी लूँगा। तो मैं बने रहिए, मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ से सब्जी लेने वाला हूँ। पास में यही चौराहा है हमारे, और चौराहा मतलब स्क्वायर बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पे जाके मैं लेने। तो मैं आ गया हूँ सब्जी लेने, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ये सब्जी है, देखिए। तो देख सकते हैं टमाटर रखा है, शिमला मिर्च मैंने ले ली है, सामने बैंगन है और लौकी है, और ये मैंने सारा सामान ले लिया, मैं निकल रहा हूँ। तो दोस्तों सब्जी ले लिया है मैंने और अभी मैं निकल गया हूँ यहाँ से। आज यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ही भीड़ है, और मैं अभी निकल रहा हूँ, घर जाऊँगा और फिर मैं बनाऊँगा वेज बिरयानी। तो बने रहिए, देखिए मैं कैसे बनाने वाला हूँ आज वेज बिरयानी, तो वो भी मैं प्रोसेस दिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे अमजद भाई ने पहले कहा था। तो ये देखिए कितनी भीड़ है, मतलब भरा हुआ। जय श्री राम। तो दोस्तों सबको ये हनुमान जी के दर्शन कर लो, क्या बात है, इतना शानदार पॉजिटिव जय। तो दोस्तों आ गए हैं हम हमारे किचन में, देख सकते हैं थोड़ा सा अच्छा किचन है हमारा थोड़ा ज्यादा अच्छा किचन है। तो आज हम अभी बनाने वाले वेज बिरयानी, भाई भी मेरी मदद करेगा, है ना भाई, हाय कर दो। हर भाई आज हम बना रहे हैं वेज बिरयानी, क्या बात है। तो वेज बिरयानी बनेगी और मैं अभी करूंगा थोड़ी सी चॉपिंग, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे करने वाला हूँ। और भाई मसाले वगैरह सब चेक कर रहे हैं प्रॉपर, क्या क्या सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं करेक्टली, है ना जी भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बनेगा वेज बिरयानी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मसाले रखे हैं, भाई ने मांगा नमक, मैं नमक दे रहा हूँ उसको, ये मसाले यहाँ पे देख सकते हैं। ओ दोस्तों देख सकते हैं मसाला तैयार हो गया, रेडी हो गया, अब हम काटेंगे प्याज। तो दोस्तों मैं काट रहा हूँ पहले कांदा, सबसे पहले कांदा काटा जाता है तो उसके ऊपर का कवर मुझे क्लियर करना पड़ेगा, तो मैं सारी का करके रख लेता हूँ, साइड साइड से दो बार मुझे कट लगाना पड़ेगा। और आज कांदा थोड़ा ज्यादा बारीक चाहिए मुझे, क्योंकि
बिरयानी खाते टाइम मुंह में नहीं आना चाहिए ज्यादा, तो मैं इसको अपनी हैंडमेड मतलब हाथ से करने वाला ग्राइंडर है उससे मैं कट करूंगा, तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कट करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इसको थोड़े छोटे पीस करूंगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़े थोड़े करूंगा, जिसमें जो हमारा ग्राइंडर है बिना इलेक्ट्रिसिटी वाला उसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाए, तो बस मैं वही करने वाला हूँ। देख सकते हैं ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं करूंगा और ज़्यादा बड़े भी नहीं रखूंगा, मीडियम साइज रखूंगा। तो देख सकते हैं ये इजिली कट रहा है, आप खुद देख सकते हैं ये आंखों में आंसू आने लगते हैं, एक बाइट में ही एक बार में ही आंसू निकल जाते हैं यार। तो दोस्तों ये है वो मशीन, ये इसको थोड़ा सा मैं धोऊंगा पानी से, मैंने थोड़ा सा इसको खंगारा, ये ब्लेड है इसको भी थोड़ा सा पानी से खंगार लेता हूँ, अगर थोड़ी बहुत डस्ट हो तो चली जाएगी। अब इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये जो कांदे हैं थोड़े थोड़े करके इसमें डाल दूंगा, देख सकते हैं ये छोटे छोटे पीस हैं इसमें यहाँ अंदर जाएंगे, और इसके बाद मैं ये इसके ऊपर का पार्ट है इसको मैं यहाँ से कवर कर दूंगा, और फिर इसको जस्ट हमें प्रेस करना तरीके से, अरे गाइस बीच बीच में फंस जाता है। देख सकते हैं ये इतने शानदार तरीके से छोटे छोटे पीस में ग्राइंड हो जाता है, काफी अच्छा से पेस्ट बनता है फिर बाद में मिक्सचर जो बनता है। तो दोस्तों अब आगे ये बारी टमाटर की, अब टमाटर काटे जाएंगे और इसको भी वापस मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर दूंगा, जो हमारे हाथों से चलता है ना कि बिजली से, ये बात याद रखिएगा। तो इसको मैं अभी जस्ट कट कर लूंगा ऐसे, और कुछ थोड़े और पीस कट करूंगा जिसमें इजिली वो ग्राइंड हो जाए, कुछ दिक्कत ना आए, मुश्किलें ना हो। तो देखिए मैं ये साइड का बस स्टार्टिंग का हिस्सा हटा देता हूँ, और ये कट करके मैं ऐसे अभी मैं इसको डालने वाला हूँ वापस से ग्राइंडर में। अभी बताऊँ तो गाइस ये डाल रहे हैं टमाटर, इसमें आप देख सकते हैं सारे टमाटर मैं वापस इसमें डाल दूंगा। तो दोस्तों मैं अभी कर रहा हूँ टमाटर ग्राइंड, आप देख सकते हैं काफी इजी वे में हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर मिक्स हो रहा है, और इसको ऊपर से ऐसे ऐसे प्रेस करना पड़ता है। काफी अच्छी मशीन है ये, जिसने भी बनाई है काफी शानदार बनाई है। मैं इसको ऐसे ऐसे करता रहूंगा ये अंदर मिक्स हो जाएगी, क्या बात है। तो देख सकते हैं आप लोग काफी अच्छी तरह से पेस्ट बन गया है, ये काफी शानदार बन गया है। तो ये चली गैस, ये रखी कढ़ाई, और ये डला तेल, भाई ने डाल चुका है मसाला, ये खड़ा गर्म मसाला है ना, और इसमें डल रही है प्याज, देख सकते हैं जो मैंने पेस्ट बनाया है, और इसमें थोड़ी थोड़ी हमने हरी मिर्ची भी ऐड की, आप देख सकते हैं। अब ये पेस्ट तैयार होगा, ये तब तक का वेट करेंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउनिश ना हो जाए, है ना, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तो तब तक ये इसमें चलती रहेगी और मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं बिरयानी बन के रेडी हो गई, ये बिरयानी का पेस्ट है और ये चावल, अभी हम इसको मिक्स करेंगे और आप रिव्यू करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है। तो जस्ट आप खा के बताएंगे कैसा लग रहा है, तो खा के बताइए कैसा लग रहा है जस्ट साहब आपको ये। तो खा के बहुत लाजवाब लगा है ये, क्या बहुत टेस्टी है ये, और इसमें एक्यूरेट नमक मिर्ची हल्दी मसाला वसाला सब एक्यूरेट है, क्या बात है, मजा आ गया, मतलब खा के बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज्यादा टेस्टी। गाइस आप लोग भी आइए और मैं आपको बना के खिलाऊंगा, और बहुत टेस्टी बना है गाइस, क्या बात है। तो भाई एक बार बोल दो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो गाइस, प्लीज पक्षी ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्या और बात, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा, क्या बात है। तो दोस्तों अब हम खाना खाएंगे और तब तक के लिए बाय।